केंद्रीय बजट पर कांगड़ा जिले के लोगों की निगाह है। हर बार की तरह सिर्फ झुनझुना ही मिलेगा या उपहार, इसके लिए सिर्फ दो दिन का ही इंतजार है। पठानकोट जोगिंदर नगर नैरो गेज रेल लाइन व कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार, इन दोनों ही महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पंख लगाने की उम्मीदें बजट से हैं। केंद्रीय बजट पर कांगड़ा जिले के लोगों की निगाहें हैं। हर बार की तरह सिर्फ झुनझुना ही मिलेगा या उपहार, इसके लिए सिर्फ दो दिन का ही इंतजार है। पठानकोट जोगिंदर नगर नैरो गेज रेल लाइन व कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार, इन दिनों ही महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पंख लगाने की उम्मीदें बजट से हैं। नैरो गेज रेल लाइन को ब्रॉडगेज करने के लिए सर्वे भी पूर्व भाजपा सरकार के कार्यालय में हुआ था, लेकिन इस दिशा में अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ब्रॉडगेज का मामला ठंडे बस्ते में पड़ने से नैरो गेज लाइन के ही सुधार और इसके विस्तार के लिए प्रारूप तैयार हुआ, लेकिन ना तो बजट में प्रावधान हुआ ना ही उचित कदम उठाए गए। लोकसभा चुनाव से पहले तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिसंबर 2018 में पठानकोट जोगिंदर नगर रेल ट्रैक का हवाई सर्वे किया था और संभावनाएं तलाशी थी। इस दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सुपर फास्ट रेल भी चलाई गई, पर इसका भी कोई खास लाभ लोगों को नहीं मिल पाया। इसके अलावा गग्गल स्थित कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भी निगाहें बजट पर रहेंगी। प्रदेश का यही एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट है जिसके विस्तार की संभावनाएं हैं, साथ ही ये पर्यटन व सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। 9 के 10 में बना ये एयरपोर्ट अभी छोटा है और इसका विस्तार बजट के अभाव में लटका है। अगर इस बार बजट का कुछ प्रतिशत भी यहाँ खर्च होता है तो विस्तार भी तय है। विस्तार न होने से यहाँ अब तक केवल छोटे जहाज ही उतर पाते हैं। एयरपोर्ट विस्तारीकरण की प्रक्रिया 2013 से शुरू हुई थी, इसके लिए कई बार सर्वेक्षण भी हो चुके हैं। एयरपोर्ट में बड़े विमानों को उतारने के लिए हवाई पट्टी को 1370 से बढ़ाकर 1920 मीटर बनाया जाता था। वर्तमान में 1370 मीटर लंबी और 30 मीटर चौड़ी हवाई पट्टी है। एयरपोर्ट में दो बड़े जहाजों को पार्क करने की व्यवस्था है। 12 मई 2015 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 6 सदस्यीय टीम यहाँ पहुंची थी। इसके बाद ये तय हुआ था कि स्नौरा से कुटमा तक 2388 कनाल भूमि अधिग्रहित की जाएगी, लेकिन इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अब प्रदेश सरकार ने एयरपोर्ट विस्तार के लिए संदेशिक दी है। जिलावासियों को पेश होने वाले केंद्रीय बजट से इन दोनों परियोजनाओं के लिए बजट मिलने की उम्मीद जगी है। धर्मशाला की प्रबुद्ध जनता का कहना था कि हिमाचल प्रदेश से चुने गए युवा सांसद अनुराग ठाकुर को राज्य वित्त मंत्री बनाया गया है। उनको उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं और वे उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे, उनको पूरी आशा है। उन्होंने रेल विस्तारीकरण और हवाई विस्तारीकरण को लेकर कहा कि उन्हें पूरी उम्मीदें हैं कि इस बार बजट में इन दोनों योजनाओं के विस्तारीकरण के लिए बजट का प्रावधान किया जाएगा। उद्योगपतियों का कहना है कि प्रदेश में उद्योग लगाने पर मिलने वाली सब्सिडी को दोबारा शुरू किया जाना चाहिए और टैक्स लिमिट 5 लाख तक बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा GST लिमिट बनने की प्रक्रिया और आसान की जानी चाहिए। ज़्यादा है क्योंकि इस बार हमारा MOS मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस जो है वो हिमाचल से है और हिमाचल के विषय में वो ज़्यादा चिंतित भी रहते हैं, तो हमें उम्मीद ज़्यादा है। वैसे तो उम्मीद हर साल रहती है लेकिन इस बार उम्मीद थोड़ी ज़्यादा है। हमारे मुद्दे तो बहुत हैं जब से हिमाचल बना है, लेकिन दो मुद्दे विशेष हैं। एक डिफेंस रेल लाइन है जो पठानकोट से लेके लेह तक बननी है। शांता कुमार जी ने भी कहा था कि वो बनेगी और सर्वे सुर्वे भी हुए थे, लेकिन उसके कुछ प्रमाण अभी तक आए नहीं कि ये वाकई में रेल बनने वाली है नहीं। हमें लगता है कि इस बजट में इसके ऊपर भी कुछ ठोस निर्णय लिए जाएंगे और हमें इसका कोई उपहार मिलने वाला है। दूसरा, यहाँ पे हिमाचल के 3 एयरपोर्ट हैं जो कार्यशील हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कार्यशील एयरपोर्ट जो है वो कांगड़ा का है, जिसे गग्गल एयरपोर्ट कहते हैं। गग्गल एयरपोर्ट का एक तो विस्तारीकरण ज़रूरी है, इसके ऊपर कार्य चल भी रहा है, लेकिन अगर बजट में इसका विशेष उल्लेख होगा तो ये जल्दी हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हिमाचल में जो यात्री हैं उन्हें बहुत ज़्यादा किराया देना पड़ता है, तो मैं चाहता हूँ कि इस बार के बजट में पूरे पहाड़ी राज्यों में, पूरे भारत के पहाड़ी राज्यों में एयर फेयर जो है उसके ऊपर सब्सिडी का ऐलान किया जाना चाहिए, जिसका हिमाचल को विशेष लाभ मिलेगा। ये इस बार केंद्र सरकार में अनुराग ठाकुर जी एक बहुत महत्वपूर्ण सीट पे जो है उनका जो है सांसद चुन के गए और उसके साथ वित्त राज्य मंत्री बनाया गया। वित्त राज्य मंत्री हिमाचल के होने के कारण हमारी हिमाचल वासियों से उनसे उम्मीद है कि हिमाचल सरकार की, हिमाचल के लोगों की 2 डिमांडें, रेल का विस्तारीकरण और एयरपोर्ट का विस्तारीकरण जो है वो मुख्य मुद्दा रहा है, जिसको हर बार जो है झुंझुना पहनाया गया है सारी सरकारों के द्वारा।
तो मैं चाहता हूं कि हिमाचल सरकार, हिमाचल के लोगों के लिए जो है रेल विस्तारीकरण का जो है जोगिंदर नगर और पठानकोट की जो लाइन है उसको जो है मुख्य रूप से जो है विस्तारीकरण के लिए जो है काफ़ी पैसा मुहैया करवाया जाए, और जो गग्गल का एयरपोर्ट है जिसकी वजह से जो है सारे हिमाचल का जो है टूरिज्म यहां से ही जो है प्रभावित होता है, तो उस एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए भी जल्द से जल्द जो है पैसा मुहैया करवाया जाए। ये मुख्य मांगे जो है हमारी जो है इस बार जो है अनुराग ठाकुर जी से रहेंगी, और आशा करेंगे कि जो है हिमाचल से संबंधित होने की वजह से वो हमारी मांगों की तरफ जो है मुख्य जो है ध्यान देंगे। हमारे प्रदेश से ही श्री अनुराग ठाकुर जी को जो भी नए नए चुन के गए हैं एमपी, उनको राज्य वित्त मंत्री बनाया गया है। ये हिमाचल प्रदेश के लिए बड़े ही गौरव की बात है, और इतनी बड़ी सम्मान दी है सरकार ने, तो मैं पहले तो अनुराग ठाकुर जी को इस पर बधाई देना चाहता हूँ। और क्योंकि वो हमारे प्रदेश से ही राज्य वित्त मंत्री बने हैं, इसलिए प्रदेश को उनसे बहुत अपेक्षाएं हैं। ये मेरे ख्याल है पहला वाक्य है जब के प्रदेश को वित्त राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। तो सबसे पहले तो उद्योगपति होने के नाते मैं चाहूँगा कि जो इंडस्ट्रीज हिमाचल प्रदेश के अंदर लगी हुई हैं या नई लगनी चाहती हैं, उनके लिए जो पहले हमारी हिमाचल में सब्सिडी दी जाती थी, पैकेज, स्पेशल पैकेज दिया गया था हिमाचल प्रदेश को, और वो बाद में विड्रॉ कर लिया गया, वो दोबारा से सब्सिडी का पैकेज लागू किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रीज आएँ, बेरोजगारों को रोज़गार मिले और हिमाचल में तरक्की के द्वार खुलें। दूसरी अपेक्षा मैं कहूँगा इनकम टैक्स के बारे में, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हैं, अब टैक्स देने के लिए भी सिर्फ महंगाई के बाद लोगों के पास इतना पैसा नहीं बचता कि वो अपना जीवन यापन जो है अच्छी तरह कर सकें। तो मैं चाहता हूँ इसमें कि अगर उद्योग को क्या सभी लोगों को अगर इनकम टैक्स का स्लैब 5 लाख तक कर दिया जाए तो लोगों को इस चीज़ की बहुत उम्मीद है कि इस बार ये अवश्य होना ही चाहिए। और इसके अलावा व्यापारियों को जो है जो GST सरकार ने लागू किया था उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको लोड करना, उसको फाइल करना, सभी व्यापारी लोग जो हैं इस वक्त जो है अकाउंटेंट्स के चुंगल में फंस के रह गए हैं। वो खुद कोई भी व्यापारी अपने लेवल पे नहीं कर पाता, जिसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, और कई लोग तो इस वजह से अपना व्यापार तक छोड़ने पर उम्दा हैं कि क्या करें, वो इतना पैसा कमा नहीं पाते जितना कि अकाउंटेंट्स वगैरह ले लेते हैं। तो इसको सरल बनाया जाए, इतना सरल बनाया जाए कि कोई भी व्यापारी, आम व्यापारी जो है खुद भी इसको लोड कर सके, या खुद भी अगर लोड नहीं कर सकता तो एक कागज़ पे लिख के ही उसको ऑफिस में फाइल कर सके, कुछ इस तरह के प्रोविजंस। तो बहुत अपेक्षाएं तो बहुत है मैं चाहता हूं, लेकिन अगर ये 2-3 बातें मैंने कहीं इतना भी कर दें तो हिमाचल के लिए एक बहुत ही मैं समझता हूं एक देन होगी हमारे नई सरकार की और वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी की। वक्त तो चले, छोटे से ब्रेक आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद।